नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और डिजियाना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस राजनीतिक घटनाक्रम का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वो अब हमारे सबके सामने हैं। जी हां, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 155 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब मैदान खुलने लगा है। कल भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ कल के दिन में 176 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, तो आज कांग्रेस ने यानी तकरीबन 24 घंटे बाद अपने 155 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब जब मैदान जाहिर सी बात है खुलने लगा है, तो तमाम आकलन भी बाहर निकल कर आने लगेंगे। और जब आकलन की बात करें तो फिर जाहिर सी बात है कि जिक्र डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी का होना लाजमी है। जाने माने राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और उनसे हम इस पूरी सूची से जुड़े तमाम सवालों के जवाब चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्या समीकरण उभर कर सामने आ सकते हैं सूची के सामने आने के बाद, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद में कांग्रेस ने आखिर प्रत्याशियों की घोषणा की है। लेकिन पहला सवाल, क्या देर से आए लेकिन दुरुस्त भी आए? देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, इसका जवाब तो 11 दिसंबर को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी सूची को अगर आप देखें अभिषेक, तो नई बोतल पुरानी शराब, लगभग वही उम्मीदवार जो पिछला चुनाव हार गए थे। मैं समझता हूँ कि 80% वही नाम रिपीट हुए हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे, चाहे वो सुरेश पचौरी हो, चाहे वो राजवर्धन सिंह हो दत्तीगांव, चाहे वो आलोक चतुर्वेदी हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अंतर सिंह दरबार हो, अश्विन जोशी हो, तुलसी सिलावट हो, बहुत सारे नाम हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। अरुणोदय चौबे हो, अपने राजपूत हो, गोविंद सिंह, सैकड़ों नाम, मतलब 50 नाम है वो हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। उनको कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है। इसके दो मायने हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस नए चेहरों के लाने की बात करती रही लेकिन ला नहीं पाई, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती है नए चेहरों को उतार कर, इसलिए वो पुराने चेहरों पर ही फिर से दाव खेल रही है। वही अपने जो उसकी जो सेकंड टीम है, जो अजमाई हुई टीम है, उसी टीम को वो वापस मैदान में उतार रही है, ये मानकर कि इस बार शायद एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, भाजपा का बहुत ज़्यादा विरोध है, व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है, तो ये लोग जो पिछला चुनाव जनता द्वारा नकार दिए गए थे इस बार जीत जाएंगे, ये कांग्रेस का सोच रहा। नए लोग नहीं ला पाई। जो दो तीन नए लोग लाई हैं, जैसे नेवी जैन को दिया है टिकट सागर से, वो एक पुराना कांग्रेसी परिवार है, डालचंद जैन सांसद रहे और काफ़ी उनका नाम रहा सागर बुंदेलखंड में, उनको बीड़ी वाले हैं, वो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और उनको टिकट मिला है नेवी जैन को। कुणाल चौधरी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको काला पीपल से टिकट मिला है। विपिन बानखेड़े आगर मालवा से टिकट मिला, लेकिन ये बाहरी उम्मीदवार हैं। कुणाल चौधरी काला पीपल के नहीं हैं, इंदौर के हैं। विपिन बानखेड़े इंदौर के हैं, आगर मालवा से टिकट मिला है। तो ऐसे युवाओं को भी कुछ लोगों को टिकट दिया है। 75 नाम आना अभी बाकी है। इसका मतलब ये है कि कशमकश बहुत है, खींचतान बहुत है। कहाँ 6 महीने पहले घोषित करने वाले थे, कहाँ बुधवार को घोषित करने वाले थे, कहाँ सुबह घोषित करने वाले थे, तो झकाझक बहुत ज़्यादा है। और अभी भी 75 नामों में सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाले बहुत नाम नहीं आए हैं। इंदौर के केवल 4 नाम आए हैं। अतर सिंह दरबार 2 बार से हार रहे हैं, फिर दिया टिकट। अश्विन जोशी पिछला चुनाव हारे थे, फिर टिकट दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अश्विन जोशी को टिकट लाना, क्योंकि जिन महेश जोशी की वजह से उनको पहला टिकट मिला, उन्हीं महेश जोशी से लड़कर वो ये टिकट लाए, क्योंकि महेश जोशी इस बार अपने बेटे दीपक जोशी की टिकट चाहते थे, सबसे सबको मालूम है। लेकिन अपने राजनीतिक गुरु, अपने काका को पीछे छोड़कर खुद का टिकट हासिल करना अश्विन जोशी की बहुत बड़ी जीत है। वो जब 3 नंबर जीतेंगे तब जीतेंगे, अभी तो घर में एक लड़ाई लड़ना थी उनको, जिस लड़ाई को उन्होंने जीता है, तो एक बड़ी बात है। उसके बाद जीतू पटवारी का टिकट तो बहुत पहले से घोषित था, तुलसी सिलावट का टिकट बहुत पहले से घोषित था। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक इंदौर 5, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 4 और देपालपुर की सीट, ये टिकट घोषित नहीं हुए हैं। देपालपुर में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल आमने सामने हैं। इंदौर 5 में अजय सिंह राहुल और सिंधिया जी आमने सामने हैं, और वहाँ पर एक नया पेज फंस गया है जयस वाला, क्योंकि जयस को भी एक टिकट मिल गया है। डॉक्टर हीरालाल अलावा मनावर से टिकट मांगा है, हालांकि वो कुक्षी से टिकट मांग रहे थे, कुक्षी उनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी, वो चाहते थे कि कुक्षी से टिकट मिले, लेकिन दिग्विजय सिंह अड़ गए।
कि जो लड़का दो बार से चुनाव जीत रहा है, जो हम 33 साल से जो सीट हम जीत रहे हैं, हम किसी और को क्यों दें। तो उनको मनावर शिफ्ट हुआ, मनावर में कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी की रंजना बघेल, पिछला चुनाव बहुत मुश्किल से जीती थी, इस बार जयेश का चुनौती उनके सामने, और जयेश अब बचा नहीं है, अब जयेश कांग्रेस में चली गई है, क्योंकि अब वो कांग्रेस के सिंबल पे गठबंधन हो चुका है। अब कांग्रेस के सिंबल पे आप चुनाव लड़ रहे हो, गठबंधन हुआ वो अलग बात है, गठबंधन होता है लेकिन हम हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, पर आप तो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हो, तो आप जीवन भर कांग्रेस के 5 साल तक आप कांग्रेस विधायक या कांग्रेस उम्मीदवार कहलाएंगे, और कभी आप चाहकर भी दल बदल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप सिंबल से जीते हैं, बड़ा टेक्निकल मामला है। तो जयेश को मिला, अब जयेश ने एक और टिकट मांगा है इंदौर पास से डॉक्टर आनंद राय के रूप में, तो वो टिकट की अभी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि आनंद राय अभी सरकारी नौकरी में है, तो एक वो भी तकनीकी पक्ष है, लेकिन वहाँ से अर्जुन सिंह के जो पुत्र हैं अजय सिंह, वो टिकट मांग रहे हैं पंकज संघवी का, और पंकज संघवी की कश्मकश चल रही है, और सिंधिया जी टिकट मांग रहे हैं संटू खुजनेरी का, और दिग्विजय सिंह वहाँ से टिकट मांग रहे हैं 5 नंबर से छोटे यादव का, शोभा ओझा टिकट मांग रही है अरविंद बागड़ी का, तो ये कश्मकश 5 नंबर पर है। 1 नंबर में पचौरी जी चाहते हैं संजय शुक्ला का, दिग्विजय सिंह चाहते हैं कमलेश खंडेलवाल का, सिंधिया जी चाहते हैं गोलू अग्निहोत्री का। 2 नंबर में चिंटू चौक से दिग्विजय सिंह के उम्मीदवार हैं, सिंधिया जी के उम्मीदवार मोहन सेंगर हैं, वहाँ टिकट फंसा हुआ है। देपालपुर में विशाल पटेल सिंधिया जी के उम्मीदवार नहीं है, वो दिग्विजय सिंह जी के उम्मीदवार, और सत्यनारायण पटेल सिंधिया जी के उम्मीदवार हैं, वहाँ बड़ी भारी कश्मकश है, और सिंधिया जी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने उम्मीदवार को, इसलिए इंदौर 5 और इंदौर देपालपुर नहीं हो पाया, 1 नंबर नहीं हो पाया। 4 नंबर में ये समझना है कि मालनी गोल के सामने किसको लाया जाए, कुछ सिंधी उम्मीदवार ढूंढा जा रहा है, इसलिए शायद ये 4 नंबर का होल्ड हुआ है, और 3 नंबर अश्विन जोशी को टिकट मिल ही गया है। तो ये एक रहा। दूसरी बात है, मैंने आज बड़ी गौर करने वाली बात, यार सुबह जब शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह कांग्रेस में आए, तो उन्होंने जो हमला किया वो परिवारवाद पर हमला किया, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद पर हमला किया, उन्होंने कहा कि शहजादों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो संजय सिंह ये लिस्ट पढ़ेंगे ना 155 वाली जबरदस्त परिवारवाद, तो आप देखिए इसमें क्या परिवारवाद है। कांतिलाल भूरिया की भतीजी कलावती भूरिया थानला से टिकट ले रही हैं, विक्रांत भूरिया झाबुआ से हैं, और दिग्विजय सिंह के बेटे राघवड़ से हैं, भाई चाचौड़ा से हैं, सीताराम साधो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनकी बेटी महेश्वर से है विजयलक्ष्मी साधो, और प्रेम सिंह दत्तीगांव के बेटे राजवर्धन सिंह जो हैं बदनावर से हैं, जमुना देवी के भतीजे उमंग सिंगार जो हैं वो गंधवानी से हैं, प्रताप सिंह बघेल के बेटे हनी बघेल कुक्षी से हैं, गौतम जो धार से 2 चुनाव हार रहे थे उनकी पत्नी धार से नीना वर्मा के सामने हैं। तो परिवारवाद की खराब बात करें तो एक बड़ा भारी परिवारवाद, लिखी कांवरे की जो है उनकी लड़की हिना कांवरे को टिकट मिला है, और दल बदलुओं को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। कल जो विद्यावती पटेल बसपा की बड़ी नेता हैं वो आई हैं, उनको देवतालाब से टिकट मिल गया है रीवा से। सुंदरलाल तिवारी श्रीनिवास तिवारी के बेटे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष थे, राहुल सिंह अर्जुन सिंह के बेटे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो किस परिवारवाद की बात कर रहे थे। तो दलबंधुओं का मैं जिक्र कर रहा था, तो विद्यावती पटेल को टिकट मिला है। संजय शर्मा जो तेंदुखेड़ा से बीजेपी के विधायक थे 2 दिन पहले तक वो जो कांग्रेस में, उनको टिकट मिला है। इसी तरीके से जो टिकट हाल ही में दल बदल करके जो लोग आते रहे हैं उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है, और बाबूलाल गौर के लिए भी सीट सुरक्षित रखी है। बाबूलाल गौर कृष्णा गौर के लिए 82 सीट्स पे भी कोई फैसला नहीं हुआ है, सिवनी मालवा में कोई फैसला नहीं हुआ है। सिवनी मालवा से सरताज सिंह अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो हो सकता है सरताज सिंह कांग्रेस में चले जाएं। उषा सक्सेना के लिए भी टिकट की गुंजाइश बनाई जा रही थी, लेकिन वहाँ से सुरेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट सीहोर से हो गया है, और उषा सक्सेना को अब निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रमेश सक्सेना की पत्नी है वो बागी हो रही है। रतलाम भी इस बार घोषित नहीं किया, रतलाम में हिम्मत कोठारी का इंतजार किया जा रहा है। पारस सकलेचा भी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं, तो हो सकता है पारस सकलेचा को टिकट दिया जाए या हिम्मत कोठारी को टिकट दिया जाए, तो वो भी एक हिम्मत कोठारी के लिए भी एक गुंजाइश रतलाम में रखी गई है। रतलाम में प्रभुदयाल गहलोत एक बड़े नेता होते, तो उनके बेटे को टिकट दे दिया, हर्ष विजय गहलोत को रतलाम के अंदर।
तो पूरा समीकरण अगर आप देखें तो इसमें दो तीन बातें सामने आती हैं कि एक तो जातिगत समीकरणों का ध्यान कांग्रेस ने रखा है, परिवार जो राजनीतिक परिवार हैं उनको सेट किया गया, उनके सब लोगों को टिकट दिया गया है, पुरानी लिस्ट है लगभग 80%, बहुत कम नए नाम हैं, ज़्यादातर वही पुराने नाम हैं जिन पर दाव लगाया था। हाँ, एक सचिन बिरला का नाम चौंकाने वाला है, पिछली बार वो बागी होकर चुनाव लड़े, जो बागी होकर चुनाव लड़े उनको भी टिकट दिया गया है। कमलेश खंडेलवाल का दावा इसलिए अब बनने लगा है, ये हो सकता है कमलेश खंडेलवाल भी बागी होकर लड़े, बागी होकर सचिन बिरला लड़े, दोनों ने अच्छे वोट लिए थे, अब उसको टिकट दिया, अरुण यादव के विरोध के बाद टिकट मिला। अर्चना चिटनीस के सामने हमिद काजी को टिकट दिया, वो पिछला दो बार से चुनाव हार रहे हैं, हमिद काजी उनको टिकट मिला। वहाँ सुरेंद्र सिंह जो बड़े नेता हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, वो उनको टिकट नहीं मिला है, उनको सुरेंद्र सिंह जी को, और महेंद्र सिंह भी सांसद होते थे, उनका भाई है सुरेंद्र सिंह, तो उनको शिव कुमार सिंह एक बड़े नेता होते थे कांग्रेस के, निर्दलीय भी जीते, इंदिरा गांधी उनको बहुत पसंद करती थी, उनका प्रचार करने आती थी खंडवा के अंदर, और वो उनको टिकट, उनके परिवार के हैं सुरेंद्र सिंह, उनको टिकट नहीं मिला, उनकी लड़की मंजू थी उसको टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ परिवारों को टिकट नहीं मिला है। हमिद काजी को टिकट दिया है वहाँ पर अल्पसंख्यकों के मद्देनज़र। अगर देखा जाए तो इसमें मुझे मुस्लिम टिकट दो दिखाई दे रहे हैं, बुरहानपुर हमिद काजी और भोपाल उत्तर आरिफ अकील। कांग्रेस सीना ठोक ठोक कर कहती है अल्पसंख्यकों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है। फिलहाल दो नाम सामने आए, दो नाम सामने आए 155 में, तो आप कहने के लिए करते हो, लेकिन आप टिकट देने की बात आती है तो आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते हो। और आप जानते हो कि कांग्रेस जानती है कि चूंकि मुसलमान के पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है, यूपी में तो मुसलमान शिफ्ट हो जाता है, बसपा में चला जाता है, सपा में चला जाता है, बिहार में उस पर विकल्प नहीं है ना, मध्य प्रदेश में, तो आप उसको वोट, आप उसको सीट नहीं देते। देखिए, अगर श्योपुर की सीट जो है वो मुस्लिमों को दी जा सकती है, लेकिन नहीं दी गई। इसी तरीके से उज्जैन उत्तर मुस्लिम को दी जा सकती है, लेकिन नहीं दी जाती। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, महितपुर वहाँ अच्छे मुस्लिम हैं, उज्जैन उत्तर में अच्छे मुस्लिम हैं। प्रेमचंद गुड्डू के लड़के के नाम सुना जा रहा है घटिया से लड़ने का, अजीत बोरासी का, वहाँ से रामलाल मालवी को टिकट दिया गया जो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, लेकिन वो प्रेमचंद गुड्डू के कट्टर विरोधी हैं। और अगर आप इस पूरी लिस्ट का आकलन करें, कांग्रेस से हम बात करें अभिषेक, और ये बात ना करें कि किसके पट्टे ज़्यादा भारी रहे, मेरा सवाल अब यही था, लेकिन और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि भले ही कांग्रेस गुटों में बटी हुई है तो कौन सा गुट भारी नज़र आया, और दूसरा क्या राहुल गांधी ने जो तमाम बातें कही थी खुद के सर्वे की, क्या उसका भी पालन हुआ है? गाइडलाइन बनाई थी पैराशूट एंट्री नहीं चलेगी, लेकिन हमने देखा कि तेंदुखेड़ा में संजय शर्मा को टिकट भी दिया। विद्या पाटिल पैराशूट एंट्री है, तो तेंदुखेड़ा में पैराशूट एंट्री है, तो नेवी जैन पैराशूट एंट्री है, हीरालाल अलावा पैराशूट एंट्री है, मतलब वही बात है कि तमाम गाइडलाइंस तैयार, आप अचानक एक दिन पहले आए। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ गुट में क्या हुआ है कि वहाँ तीन लोग एक हो गए हैं, सिंधिया वर्सेस कमलनाथ, दिग्विजय और अजय सिंह जी। तो अगर आप इन तीनों को देखें तो सिंधिया के बहुत सारे टिकट नहीं हुए हैं, ज़्यादा भारी पड़े हैं दिग्विजय सिंह, और वो पढ़ना भी चाहिए क्योंकि दिग्विजय सिंह के जितने समर्थक हैं हर सीट पर उनके 4 से 5 समर्थक हैं, जो मजबूत समर्थक हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, तो उस लिहाज से ज़्यादातर दावा ही उनकी हर सीट पर उनके समर्थकों का दावा था, तो जाहिर है ज़्यादा टिकट उनको मिलेगा। वो प्रांत व्यापी नेता हैं, देखिए कमलनाथ जी महाकौशल के नेता हैं, महाकौशल छिंदवाड़ा जबलपुर संभाग के नेता हैं, माधवराव सिंधिया जी के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना ग्वालियर और बहुत कुछ थोड़ा सा मालवा के नेता हैं, उनको महाकौशल में उनका कुछ नहीं है, विंध्य में उनका कुछ नहीं है, भोपाल में उनका कुछ नहीं है। राहुल सिंह का रीवा संभाग बघेलखंडम जिसको बोलते हैं उसके बाहर कुछ नहीं है। अर्जुन सिंह जी का पूरे मध्य प्रदेश में था, राहुल का नहीं। तो ये नेता जो हैं, दिग्विजय सिंह एकमात्र ऐसा नेता है जो प्रांतव्यापी नेता है, जिसकी हर सीट में हर ब्लॉक में आदमी है, और मैं तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी सीट में हर उनके आदमी है, क्योंकि वो अभ्याज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जी। सही बात। तो दिग्विजय सिंह का अगर आप लिस्ट वाइज निकालेंगे तो दिग्विजय सिंह को ज़्यादा टिकट मिलेगा। बुंदेलखंड में भी दिग्विजय सिंह का है, बुंदेलखंड में ये लोग नहीं है कहीं भी, ना सिंधिया जी हैं, ना कमलनाथ जी हैं, ना कुछ है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में जो पचौरी जी हैं, लेकिन पचौरी जी की इस बार बहुत चली नहीं है, पचौरी जी को खुद का टिकट मिल गया है, सुरेंद्र सिंह ठाकुर मान लीजिए, देखा जाए तो संजू शर्मा है, एक आध कोई और टिकट होगा, तो पचौरी जी की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पचौरी जी को भोजपुर से टिकट मिल गया है। जो बात आप कर रहे थे कि राहुल गांधी के सर्वे की,
तो नए नाम कहाँ हैं? यही तो नाम तो सब पहले भी थे, पिछले साल भी तो आपने इन्हीं सबको दिया, वही पचौरी जी, वही सज्जन वर्मा जी। शाजापुर का टिकट नहीं हुआ है, हुकुम सिंह कराड़ा उनका टिकट नहीं हुआ, कमलनाथ के बहुत अनन्य समर्थक है, वो शाजापुर होल्ड में है इस समय। और गुना का टिकट नहीं हुआ है जहाँ से वो सांसद हैं, शिवपुरी का टिकट नहीं हुआ है जहाँ उनकी बुआ चुनाव लड़ रही हैं, तो पिछोर से टिकट हो गया, वही के पी सिंह, वही सत्यदेव कटारे के लड़के को टिकट वापस मिल गया, वो तो मिलना भी था क्योंकि 2-3 महीने पहले चुनाव जीते, जो जो बाई इलेक्शन में जो लोग जीते हैं उनको सबको टिकट मिल गया है। लेकिन वही लखन मिश्रा को टिकट मिल गया, वो बीजेपी से एक आया अजय अभय मिश्रा, रीवा से उनको टिकट मिल गया, हाल ही में पैराशूट हुई। तो बातें राहुल जी ने कुछ कही होंगी। सूची का विश्लेषण आप करते हैं, खुर्दबीन लेकर अगर आप मैं सूची को देखूं तो इस सूची में ऐसा कोई दिखता नहीं है कि राहुल जी का जो क्राइटेरिया था वो नहीं हुआ होगा। और मुझे तो लगता है, आश्चर्य होता है कि जब यही सब टिकटों के नाम होने थे तो प्रेमचंद गुप्ता को एक टिकट देने में कांग्रेस को कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ता था? कम से कम इतना बड़ा नेता कांग्रेस छोड़कर तो नहीं जाता भाई। आपने बहुत सारे बेटों को टिकट दिया तो एक प्रेमचंद गुड्डू के बेटे को टिकट दे देते। आपने बहुत सारे पुराने दिग्गजों को टिकट दिया है, राज्यसभा सदस्य रहे हैं विजय लक्ष्मी साधो, उनको आप महेश्वर से लड़ा रहे हैं, सज्जन वर्मा सांसद रहे हैं उनको आप लड़ा रहे हैं, पुराने जो विद्यावती पटेल सांसद रही हैं वो बसपा से कल आई हैं, आप आज आपने टिकट दे दिया, अभय मिश्रा बीजेपी में थे आज आए टिकट दे दिया। तो जब आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं तो प्रेमचंद गुड्डू का भी एक टिकट दिया जा सकता था, ऐसा कौन सा बहुत उनको टिकट देने से बहुत फर्क पड़ जाता? कम से कम आपका एक नेता नहीं जाता। तो ये क्राइटेरिया समझ में नहीं आया कि किस क्राइटेरिया से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट काटे जा रहे थे, जैसा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम तो उनका टिकट नहीं दे रहे थे इसलिए वो चले गए, और किस क्राइटेरिया पर इन लोगों को टिकट दिए गए? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार से चुनाव हार रहे हैं, उनको टिकट मिला है। अब अगर 2-2, 3-3 बार से चुनाव हारने वालों को टिकट दिया है तो दूसरे लोग जो 2 बार से चुनाव हार रहे हैं उनके टिकट किस बात पे रोक लिए? जब अतर सिंह दरबार को 2 बार चुनाव हारने के बाद टिकट मिल सकता है तो पंकज संघवी तो एक ही चुनाव हारे हैं, उनको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनको भी टिकट मिलना चाहिए, वो तो सिर्फ एक चुनाव हारे हैं। आपने अश्विन जोशी को इसी आधार पर टिकट दिया कि वो तो एक ही तो चुनाव हारा है, तो पंकज संघवी भी एक ही चुनाव हारे हैं पिछला विधानसभा, उनको भी टिकट मिलना चाहिए। तो ये एक समीकरण समझ में आया आपका, कहाँ आप क्या क्राइटेरिया लगा रहे हैं और कहाँ आपका क्या क्राइटेरिया है, ये कांग्रेस की भाषा कांग्रेस ही जाने, कांग्रेस की क्या रणनीति होती कांग्रेस ही समझ सकती है। कल तक आप कह रहे थे कि हम 200 से ज़्यादा कर देंगे, फिर 155 ही कर पाए क्योंकि विवाद है, झंझट है। आप अगली सूची कब आएगी? वो 5 तारीख को आएगी, बहुत ज़्यादा खींचतान है। कांग्रेस ही की भाषा कांग्रेस ही समझ सकते हैं। तो 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो क्या वाकई में कांग्रेसी वहाँ का गणित समझ पाए हैं? क्योंकि महेश जोशी संभवतः एक ही टिकट मांग रहे थे और इतने कद्दावर नेता अपने पुत्र का टिकट नहीं दिला पाए, 50 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, तो वाकई में ये एक चर्चा का विषय तो बहुत जबरदस्त बनने वाला है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और अब महेश जोशी अब राजनीति में अपने आप को कहाँ पाएंगे? देखिए, महेश जोशी बहुत ईमानदार समर्पित कांग्रेसी, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन को भी अगर कांग्रेस का टिकट दे देंगे तो महेश जोशी मर जाएंगे, भीतरघात नहीं करेंगे। महेश जोशी की लड़ाई टिकट तक रहती है, टिकट के बाद महेश जोशी पार्टी का काम करते हैं, ये तो भतीजा है, खून है, और ये राजनीतिक पुत्र भी है उनका। पहला टिकट अश्विन जोशी को महेश जोशी ने ही दिलवाया था ना जी। उस वक्त अश्विन जोशी की पहचान क्या थी? महेश जोशी की भतीजे की पहचान थी। आज अश्विन जोशी की पहचान है 3 बार के विधायक की, लड़ाकू विधायक की, जुझारू विधायक की, उस वक्त पहचान क्या थी? महेश जोशी के भतीजे। तो ये तो महेश जी ने तो कहा भी कि घी कहाँ जाएगा, थाली में ही जाएगा। तो अश्विन जोशी को टिकट मिला है, इसमें महेश जोशी जी परिवार में बात करके जो चीज़ होनी थी वो नहीं हो पाई, ये पार्टी का उतना बड़ा मसला नहीं था, परिवार के नंबर में। किस नेता की जीत मानते हैं आप इसे, किस बड़े नेता की जो कांग्रेस गुटों में बटी हुई है तो किस गुट की विजय मानते हैं यहाँ पर आप अश्विन जोशी के टिकट? सिंधिया कमलनाथ, बोथ दिग्विजय सिंह पिंटू जोशी को टिकट चाहते थे और उनका तर्क भी ये था कि महेश जोशी को समझते देखते हुए टिकट दिया जाना चाहिए। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे थे, वो इमोशनल बात कर रहे थे कि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया क्या उसका इतना हक नहीं है।
तो एक इमोशनल आर्ग्यू था वो। लेकिन सिंधिया जी का ये कहना था, जो मुझे अंदर की खबर है, सिंधिया का ये कहना था कि जब दो बार से चुनाव हारने वाले यादवेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है, दो बार से चुनाव हारने वाले उनको अतर सिंह दरबार को टिकट मिल सकता है, तो महेश अश्विन जोशी तो एक ही बार हारा है, तीन बार जीता हुआ टिकट आदमी, एक बार वो हार गया, कोई लहर होगी, कोई हवा होगी, तो उसको अपनी हार का बदला लेने का मौका मिलना चाहिए। इस आर्ग्यू पे राहुल गांधी ने उनका टिकट कहा कि टिकट मिलना चाहिए, और पिंटू जोशी के पास तो एक लंबा राजनीतिक समय है, लेकिन अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो अगली बार तो की बात करने का तो भी कोई उचित ही नहीं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, मैदान खुल गया है, क्या एक खास समीकरण उभर कर आ रहा है कि यहाँ से ऊँट किस करवट बैठ सकता है, क्योंकि कागजी आकलन किया जा सकता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सूची देखकर भी कोई बहुत प्रभावित नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि इससे कई गुना बेहतर सूची आ सकती थी, और ये सूची भी वैसी ही है। कोई भी नए खून को मौका देने में सब पीछे, हालांकि भाजपा ने तो 55 नए टिकट दिए हैं, कांग्रेस तो वो भी नहीं कर पाई है। एक नेवी जैन छोड़ दीजिए, कुणाल चौधरी छोड़ दीजिए, एक विपिन वानखेड़े छोड़ दीजिए, और 10-12 नाम होंगे, 155 में 20 नाम ऐसे होंगे जो शायद पहली बार उनको टिकट मिला है, ज़्यादातर वही पुराने नाम हैं जिन पर आप फिर से दाव लगाने जा रहे हो। तो फिर राहुल जी का सर्वे क्या था, कमलनाथ जी के 2-3 सर्वे क्या थे, सिंधिया जी के सर्वे क्या थे, और दिग्विजय सिंह का समन्वय क्या था? वही मुकेश नायक हैं, वही यादवेंद्र सिंह हैं, वही जो सुनीता पृथ्वीपुर से जिन्होंने चुनाव जीता, ब्रजेंद्र सिंह वही हैं, वही शंकर सिंह बुंदेला हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो जनता के सामने जो चेहरे आ रहे हैं दोनों पार्टी से, वो बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, परखे हुए चेहरे हैं, और ये भी मान लिया जाए कि ये जो चेहरे हैं दोनों पार्टियों के, ये नया नेता तो उभरने नहीं देते हैं अपने क्षेत्र में, तो इसलिए पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। मतलब कुल मिलाकर कोई भी राजनीतिक दल हो, आने वाले 5 साल जो है वो नए लोगों के लिए अवसर कुल मिलाकर राजनीति में कम ही है, भले चुनकर कोई भी आए, और ये रिस्क नहीं लेना चाहते ना भाई। राहुल गांधी के पास हारी हुई सीटें हैं जो बहुत समय से आप हार रहे हो, 4-5 बार से हार रहे हो, वहाँ नए लड़के को टिकट दीजिए ना आप। अतर सिंह दरबार इतने चुनाव हार गए, क्या कैलाश विजयवर्गीय का सामना करने के लिए कोई नया उम्मीदवार नहीं आ सकता था, कोई यंग लड़का यूथ कांग्रेस का तैयार तो होता, एक नई पौध, एक नई जनरेशन तो तैयार होती, आप ले देके भाई, ले देके भाई। और भारी का विरोध भी होगा, कुछ टिकट भारी है, भारी है टिकट जो इंदौर के लोग, कुणाल चौधरी, वानखेड़े, कहीं ना कहीं बात आएगी। अगर मालवा में मनोहर उठवाल सांसद हैं, उनको टिकट मिला है, अभी बीजेपी का काला पीपल से टिकट आना बाकी है। अब टिकट, मेरा यही सवाल था कांग्रेस की सूची के लिहाज से, अब जो बचे हुए टिकट हैं इंदौर की यदि हम बात करें, तो इंदौर 1, 2, 4 और 5, अब क्या लगता है कि यहाँ पर अब अभी की अगर अपन देखें इस सूची के लिहाज से किन लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, अब क्या संभावित नाम हो सकते हैं आपकी अनुभव के आधार पर? देखिए, अब पंकज संघवी और संटू खुजनेरी और इसमें मुकाबला है आनंद राय में, क्योंकि जयस ने 2 टिकट मांगे, 1 हो गया, 1 टिकट कैसा क्या होता है उसमें मामला है। और 4 नंबर में गोलू अग्निहोत्री की पत्नी का नाम है, प्रीति अग्निहोत्री का, अब वो गोलू अग्निहोत्री उस बात के लिए तैयार होते कि नहीं होते, क्योंकि 4 नंबर सीट तो मैं समझता हूँ कि डेल सीट है बीजेपी की, अयोध्या है वो बीजेपी की, वहाँ कौन चाहेगा हारने के लिए जाना अपना क्षेत्र छोड़कर? तो अगर गोलू यहाँ आने को तैयार हो जाएंगे तो शायद 1 नंबर में संजय शुक्ला हो जाएगा, लेकिन अब आप समझिए कि अश्विन जोशी एक ब्राह्मण का टिकट हो गया है, अब कांग्रेस कितने ब्राह्मणों को टिकट देगी? अभी वेश का टिकट नहीं हुआ है, अभी किसी यादव का टिकट नहीं हुआ है, इंदौर में यादवों की भी एक बड़ी संख्या है पूरे इंदौर ज़िले में, इंदौर ज़िले में 2 लाख यादव हैं, यादवों को कोई टिकट नहीं है,
हालांकि यादव को टिकट अभी बीजेपी ने भी नहीं दिया है, ओबीसी टिकट भी नहीं हुआ है अभी तक। अगर आप देखें तो तुलसी सिलावट एससी में आते हैं, अतर सिंह दरबार राजपूत हैं, ठाकुर हैं, जीतू पटवारी ओबीसी हैं, वो उनको मिला है, और अश्विन जोशी ब्राह्मण है। तो अभी बहुत सारे दूसरी जाति का समीकरण भी आपको देखना पड़ेंगे। तो अश्विन जोशी के टिकट के बाद एक नंबर में क्या होता है ये भी एक देखना पड़ेगा। चार नंबर में सुरजीत सिंह, प्रीतम माटा, क्योंकि वह सिंधियों का भी एक डिमांड है और सिंधियों को टिकट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज नाराज है दोनों पार्टियों से। भाजपा ने भी भगवान दास सबनानी को टिकट नहीं दिया है, और उधर भगवान दास इसरानी कांग्रेस के हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं नाराज़गी है। अशोक रोहाणी, एक टिकट मिला है सिंधियों की तरफ से, सिंधियों को, तो सिंधी समाज का भी एक वहाँ पर वोट है। अगर कांग्रेस वहाँ प्रीतम माटा को या किशोर वाधवानी को खड़ा करती है तो एक बड़ी बात होगी। किशोर वाधवानी से चर्चा चल रही है कि शायद उनको खड़ा किया जाए, वो राजी होते हैं कि नहीं होते अलग बात है। कांग्रेस से कुछ बड़े नेता उनके संपर्क में है। अब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस महिला सम्मान की तमाम बातें कहती है, सूची के आधार पर कथनी और कहनी में कितना अंतर नज़र आया? अब किसी नेता की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, जैसे संजय शुक्ला जी की पत्नी को भी टिकट दिया जा सकता है, अंजलि शुक्ला को। इधर धार में भी गोलू अग्निहोत्री की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। धार में दिया है, बालमुकुंद धार में बालमुकुंद की पत्नी को दिया है टिकट है। कुछ लड़कियों, कुछ महिलाओं के नाम हैं, हिना कावरे का नाम है, लिखीराम कावरे की लड़की का नाम है, विद्यावती पटेल महिला का नाम है, और कुछ नाम हैं महिलाओं के, बुंदेलखंड में भी नाम है, उधर जबलपुर क्षेत्र में भी एक दो नाम हैं। तो नाम तो हैं, पर ये कितना असर दिखा पाएंगे? वैसे बीजेपी ने भी कोई महिलाओं को बहुत टिकट नहीं दिए, पिछली बार से कमी दिए। और अगर आप कमलनाथ का आज एक वीडियो चल रहा है, अगर आप सुनते हो, मुझे तो जीतने वाला चाहिए, मुझे तो जीतने वाला चाहिए, सीएम ने ट्वीट किया वो। हाँ, और इसी तरह से अब एक ही फार्मूला हो गया है अभिषेक, आप समझ लीजिए कि कौन जीत सकता है। अगर वो जीत सकता है तो वो अपराधी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो महिला पुरुष है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस जाति का है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस पार्टी से कब आया, उसकी निष्ठा कब किस पार्टी में थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही वन लाइन पॉइंट है, वन पॉइंट फार्मूला है, हु विल विन, जो जीतेगा वो टिकट पाए। मतलब क्राइटेरिया कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ कागज। ये सब मीडिया में बताने के लिए कि हम सर्वे करा रहे हैं, हमारा क्राइटेरिया है, पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जीतने वाला किसी भी क्षण पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी तो बाबूलाल गौर को टिकट नहीं दोगे? अगर बाबूलाल गौर को टिकट नहीं मिला बीजेपी ने, कृष्णा गौर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या कांग्रेस बाबूलाल गौर को टिकट देगी या नहीं देगी? फिर कहाँ जाएगा राहुल गांधी का वो बयान कि मैं पैराशूट लैंडिंग को स्वीकार नहीं करूँगा? सिवनी मालवा से सरताज सिंह को टिकट देगी कि नहीं देगी पार्टी? अभय मिश्रा की पैराशूट लैंडिंग है या नहीं है? विद्यापति पटेल की पैराशूट लैंडिंग है या नहीं है? तो ये कहना कि साहब ठीक है, कहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती तो कह दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये जो सीट ये आई है लगभग पुरानी लिस्ट है। इसमें तो मैं एक बात और कहूँगा कि अब आप देखिए, आलोक चतुर्वेदी, उनको छतरपुर से टिकट मिला है, माफिया की छवि है, पज्जन भैया माफिया की छवि है, आपराधिक छवि है, हत्या के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, और भी दूसरी छवि उनकी इस तरह की है, और वो जो हैं उनको टिकट मिल गया, उनके भाई से उनकी नहीं बनती, सत्यव्रत चतुर्वेदी से, लेकिन उनको टिकट मिल गया, क्योंकि आपकी नज़र में वो जीतने वाले हो सकते हैं। तो छवि कोई मायने नहीं रखती है, इमेज डजंट मैटर्स। पॉइंट इज दैट कि आप चुनाव जीत सकते हैं या नहीं? अगर जीत सकते हैं तो ठीक है, चलेगा, हमको कोई सा भी अपराधी चलेगा, कोई सा भी जाति का आदमी चलेगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में है, ये सब पार्टियों में, सब राजनीतिक पार्टी, क्योंकि ये चुनाव नहीं रह गया है, ये युद्ध हो गया है, वार है ये। हमने पहले कभी लोकतंत्र में चुनाव होता था कि भाई दो उम्मीदवार दोस्ताना प्रतिस्पर्धी, मैंने को तो ऐसे प्रसंग कुछ याद है जिसमें एक मोटरसाइकिल पे दोनों उम्मीदवारों ने प्रचार किया, साथ साथ प्रचार करते थे, साथ साथ खाना खाते थे, इस तरह के प्रसंग हैं आज़ादी की बात कुछ चुनावों में।
लेकिन धीरे धीरे देखिए अब आपकी प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही, प्रतिद्वंदिता कटुता में तब्दील हो गई, अब प्रतिद्वंदिता नहीं रही, अब प्रतिद्वंदिता युद्ध बन गई। पहले हम प्रतिद्वंदी नहीं थे, प्रतिस्पर्धी थे, फिर हम प्रतिस्पर्धी से प्रतिद्वंदी हुए, फिर द्वंदी हो गए, और अब तो दंदी फंदी हो गए। तो ये स्थिति हो गई है। तो कुल मिलाकर तमाम क्राइटेरिया जो बनाए गए थे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया है, लेकिन अब इस एक्शन के क्या पॉजिटिव रिएक्शंस आते हैं और क्या नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं, ये हमें आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे और डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी को इजाज़त दीजिए, और खबरों के लिए बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।